हे गाइस, वेलकम बैक टू द सिस्को टेक लाइव। और ईपीएफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सारा न्यू अपडेट है आप लोगों के लिए, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी एम्प्लॉई के लिए, एम्प्लॉयर के लिए यानी कि कर्मचारी के लिए, और आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंपनीज हो, और आपके लिए यानी कि एम्प्लॉई के लिए। तो आपको इस वीडियो को देख के समझना पड़ेगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है डेथ क्लेम ऑनलाइन को लेकर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ है, जैसे कि ई नॉमिनेशन की जो प्रॉब्लम है उसको भी आज देखेंगे, और दूसरी प्रॉब्लम कि ऑनलाइन, जी हाँ, एक नया अपडेट ईपीएफ इंडिया की तरफ से आया है कि आप डेट क्लेम को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है, एक खुश खबर ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि इन केस किसी एम्प्लॉई की, भगवान ना करे ऐसा हो, बट इन केस किसी एम्प्लॉई की यानी कर्मचारी की अचानक से डेट हो जाती है, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो जो परिवार वाले, आपके परिवार वाले, उनको डेथ क्लेम कैसा करें? जो पैसा होता है ईडीएलआई का हो गया, या पेंशन का हो गया, या पीएफ में जितना भी सबमिनिट आपका कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी इस वीडियो में आज हम देखेंगे, ठीक है ना। और ईपीएफ इंडिया ने यूनिफाइड पोर्टल में एक ऑप्शन अटैच कर दिया, डेथ क्लेम फिलिंग बाय बेनिफिशियरी। जी हाँ, बहुत ही अच्छा काम हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक के ऑफलाइन चलता था, अब ये ऑनलाइन आ चुका है। लेकिन इस वीडियो में अपन गाइस आगे बढ़े तो आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक के ईपीएफ के यूनिफाइड पोर्टल में, इसी में जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आपने ई नॉमिनेशन नहीं किया है, जो कि मैं कुछ दिन पहले ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुका हूँ, यूनिफाइड पोर्टल को लॉगिन करने के बाद आपको ई नॉमिनेशन सर्विस में जाना है। मेरे ख्याल रहेगा कि आपके मदर, फादर, आपको जैसा भी सही लगे, आपको ई नॉमिनेशन बनाना है। क्यों? क्योंकि इन केस कोई डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो भी ई नॉमिनेशन यानी कि जो आपका नॉमिनी होगा, आपका फादर, आपका पापा, आपकी मॉम, जो भी होगा, उसको डेथ क्लेम का जितना भी पैसा है वो मिलेगा, या जो भी प्रोसेस होती है ईपीएफ इंडिया का, ईडीएलआई का और पीएफ पेंशन का, एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये ज़रूरी बातें, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में देखूंगा, तो उसे ज़रूर देखें। और हाँ, आप इंतज़ार ना करें कि हम बाद में कर लेंगे, ई नॉमिनेशन करना आपको ज़रूरी है, उसके बाद ही डेट क्लेम आप अप्लाई कर पाओगे ऑनलाइन, ठीक है। चलिए, आप इस वीडियो में अपन फटाफट देख, ईपीएफ ऑफिशियल साइट पे epfindia.gov.in और उमंग बोला, आपका यूनिफाइड पोर्टल की ऑफिशियल साइट पर आना है, unifiedportalmem.epfindia.gov.in। आप चिंता ना करें, मैंने सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप दिया है, तो ध्यान से जाके उन लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब गाइस, आपको इस वीडियो में मैं और एक बात बता दूं कि आपको ई नॉमिनेशन जब आप प्रोसेस करते हो, तो मेरा ख्याल रहेगा कि आप अपने फादर को ई नॉमिनेशन बनाओ, क्योंकि जो डेटा है ईपीएफ के सर्वर पर, वो आपका मैच होगा, तो आपको ओटीपी में, ऑनलाइन क्लेम करने में, आपके फैमिली को, इन केस किसी की डेथ हो जाती है, जैसे कि कोई भी कर्मचारी है, कोई भी एम्प्लॉई है, ये दोनों के लिए वीडियो है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, कंपनी और कर्मचारी जो भी है, सभी के लिए वीडियो काम का है, ध्यान दे, ठीक है। तो ई नॉमिनेशन का वीडियो बिल्कुल देखना ना भूले। चलो, अब इस वीडियो में मैं आगे बोलूँ तो पहले एक प्रोसेस बता देता हूँ आपको कैसा। तो ईपीएफ इंडिया की तरफ से जो ईडीएलआई का बेनिफिट मिलता है आपको, लगभग 2.5 लाख से लेकर 6 लाख तक के मिलता है, अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके फैमिली को 2.5 लाख से लेकर 6 लाख तक के ईडीएलआई का पेंशन उनको मिलता है, और जितना भी कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, सबमिटेड हुआ है वाया ईपीएफ इंडिया पेंशन एंड पीएफ अमाउंट, वो तो मिलता है, लेकिन आपको ईडीएलआई का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। एक टाइप से ये ईपीएफ इंडिया की एम्प्लॉई स्कीम होती है, जो कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये इसी में मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। अब दूसरी बात गाइस, और एक बता दूँ ईपीएफ इंडिया में आपको, कि इन सभी का अगर आपको डिटेल्स पढ़ना है, तो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं इस वेबसाइट का नीचे दे दूंगा, तो वहाँ जाके भी आप आराम से पढ़ सकते हैं।
अगर अभी आप ये बात सुन लो, आप इम्प्लॉयर अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इम्प्लॉय को तो सुनना ही सुनना है। अगर आप इम्प्लॉय हो यानी कि कंपनी ऑर्गेनाइजर हो या कोई वेंडर कंपनी हो, तो सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर की सॉरी आपके एम्प्लॉय की यानी कि कर्मचारी की डेट ऑफ एग्जिट जब आप वहाँ डालोगे तो आपको वहाँ पर मेंशन करना है डेट ऑफ एग्जिट। रीज़न क्या डालोगे कि डेथ की रीज़न डालना है वहाँ पर। आपको कोई भी ऐसा रीज़न नहीं डालना है कि मान लो अचानक से किसी कर्मचारी की यानी कि एम्प्लॉय की मृत्यु यानी कि डेथ हो जाती है तो आपको आपके पोर्टल में आपके कर्मचारी की एग्जिट डेट जब आप मेंशन करोगे तो वहाँ पर आपको रीज़न में डेथ ही डालना है, मृत्यु ही डालना है, बाकी कुछ भी नहीं डालना है, नहीं तो उनके फैमिली वाले को प्रॉब्लम जाएगी। मेरी बात आ गई समझ में? सभी को, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी ये बात ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना ही है। ऐसी केसेस में कुछ मैंने देखा है प्रॉब्लम आई है कि आपका जो एम्प्लॉयर है अगर गलती से भी उन्हें डेथ की जगह और कोई रीज़न डाल दिया तो वो आपको जो EDLI है एंड पेंशन है जो PF विड्रॉ में आपको दिक्कत आ सकती है। दैट्स इट गाइस, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब चलता हूँ मैं इस यूनिफाइड पोर्टल में और नीचे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ से ध्यान से देखो, इसी आपके लॉगिन के नीचे एक ऑप्शन दिया है डेथ क्लेम फिलिंग बाय बेनिफिशियरी। मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप चिंता ना करें, मैंने हर बार की तरह वीडियो के नीचे इसका लिंक दे रखा है। आई होप कि गाइस ये नई सर्विस है, एक नया ऑप्शन EPF इंडिया को बार बार बोलने के बाद इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि मेंबर नॉमिनी फॉर्म 10D, 20 and 5 IF एप्लीकेशन वाया EPFO ऑनलाइन। ठीक है, ये ऑनलाइन है भाई साहब, ठीक है, अभी तक के ऑफलाइन चलता था। अब इसमें ऐसे UN की ज़रूरत पड़ेगी जो कि डेथ वाला ही UN नंबर हो, बट मैं आपको एक ट्रायल दिखा देता हूँ इसमें कि कैसे करना है। आपको इसमें UN नंबर, आधार ऑफ द बेनिफिशरी यानी कि जिसका डेथ हुआ है, जो जिसकी क्लेम कर रहे हो उसका यहाँ नंबर आएगा, नेम ऑफ द बेनिफिशरी समथिंग, और यहाँ पर डेट ऑफ द बेनिफिशरी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पर एंट्री करने के बाद कैप्चर करना है, गेट अथोराइजेशन पिन पर क्लिक करना है, OTP आएगा। आपको ध्यान रखना है इसमें आपकी KYC यानी कि जैसे कि बैंक, आधार, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, इसी पोर्टल में जो अभी मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी अपडेटेड होना चाहिए और वेरीफाई अप्रूव होना चाहिए। और एक बात मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर अगर आप डेथ ऑफ जो क्लेम करते हो ना, डेथ क्लेम ऑनलाइन, ये वाला फॉर्म जब भरोगे ऑनलाइन, यहाँ पर साफ साफ लिखा है डिटेल टू बी एंट्रेड बिलो शुड बी एज पर द EPFO सर्वर डेटा रिकॉर्ड एंड समथिंग, तो जो भी वो रिकॉर्ड आपका फेच हो जाएगा तो यहाँ से आसानी हो जाएगी आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वाया मेंबर ई सेवा क्लेम डेथ बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन EPFO की तरफ से। ठीक है, तो ये आपको बात का ध्यान रखना है, जैसे कि UN नंबर, आधार, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी यहाँ पर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी जिसका भी पोर्टल है यानी कि जिसका UN नंबर है, यहाँ पर एंट्री करने के बाद कैप्चा, गेट ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक करोगे तो आपका अगर कॉन्टेक्ट नंबर वेरीफाई होगा हर बार की तरह, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर वो वाले वीडियो आपने नहीं देखा रहा होगा आई बटन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक इट आउट, KYC कैसे अलाउड करें, कुछ दिन पहले ही वीडियो दिया था मैंने। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ऑथराइजेशन पिन यानी कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर पर पिन आएगा और ये आपकी इमीडिएटली जो ऑनलाइन सर्विस है, कौन सी वाली, डेथ क्लेम बाय ऑनलाइन, ये सबमिट हो जाएगी और ये जाएगा फिर आपके एम्प्लॉयर के पास, वो वेरीफाई करेंगे एंड देन गो बैक टू EPFO इंडिया फील्ड ऑफिसर के पास, फिर वो वेरीफाई अप्रूव होगा, पूरा रिकॉर्ड चेक होगा, फिर वो डेथ क्लेम बेनिफिट आपको मिलेगा। वैसे बाय द वे देखा जाए तो ये EDLI का बेनिफिट और जो डेथ क्लेम है, जो मेंबर की डेथ क्लेम अचानक हो जाती है, तो ये ऑफलाइन भी अभी भी प्रोसेस चल रही है, लेकिन ये नया ऑप्शन EPF की इंडिया की तरफ से आया है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताना जरूरी समझा। ठीक है, अब गाइस दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ई नॉमिनेशन, जी हाँ, सबसे पहले आपको अभी तक आपने ई नॉमिनेशन यूनिफाइड पोर्टल में नहीं किया है तो जाइए वो वीडियो देखिए, ई नॉमिनेशन करिए। इफ़ यू गाइस एनी क्वेरी प्लीज़ लीव द मैसेज कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है तो आपके कोई सवाल है, सुझाव या शिकायत है तो वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, कोई वीडियो आ जाएगा उस टॉपिक पर, या तो आपको मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस ये था मेरी तरफ से और एक नया ऑप्शन आया है डेथ क्लेम बाय, बहुत अच्छी बात है यार, ऑनलाइन आ चुका है ना, ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि ये फैमिली को फ़ायदा हो जाएगा। मान लो अचानक से मैं कहता भगवान करे कभी ऐसा ना हो, बट यार वो तो जन्म और मृत्यु जैसे कि लिखा ही है,
तो ये फैमिली वाले को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही है ऑफलाइन फॉर्म भरना, फिर किसी एम्प्लॉई की यानी कि किसी कर्मचारी की डेथ या मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो उन फैमिली को सोचो कितना प्रॉब्लम होगा, लाइन में खड़े रहना, पीएफ ऑफिस जाना, फिर एम्प्लॉयर के साइन कराना, ऑफलाइन फॉर्म भरना वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी प्रॉब्लम होती है। और ऑफकोर्स होती है, टाइम लगता ही है, क्योंकि डेथ क्लेम में जो EDLI का बेनिफिट मिलता है समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एक प्रोसेस आई है जो गाइस मैंने आपको बताई है, ठीक है। और ई नॉमिनेशन का वीडियो देखिए, मैं कहीं ना कहीं उसका जगह मिलेगी तो लिंक दे दूंगा। और फिर मिलता हूँ गाइस मैं किसी बेस्ट टेकटॉक अमेजिंग वीडियो के साथ। जाने से पहले एक ज़रूरी बात है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, ताकि उन फैमिली को, उन एम्प्लॉई को, उन एम्प्लॉयर को, उन कंपनी को मालूम चले कि एक नया चीज़ आ चुका है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सिस्को टेक लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी का निशान जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड बाय बाय। सब्सक्राइब करें सिस्को टेक चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे